Bismillahirrahmanirrahim. This is your past lecture, linear algebra lecture number one. Aur isme hum solve the given system of equations by using elimination method. Aur hum elimination method use karenge. Elimination method ka matlab ye hai ki hum yahan se ek term ko skip karenge, ek term ko eliminate karenge. Ya hum x ko eliminate kar sakte hai, ya hum y ko eliminate kar sakte hai. ये आप लोगों की मर्जी है कि आप सबसे पहले x को eliminate करना चाहते हैं या आप y को eliminate करना चाहते हैं. तो ये simple equations given है, system of equations given है. यहाँ पे two equations है और two variable है. तो हम इससे एक term को eliminate करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले x को भी eliminate कर सकते हैं और y को भी eliminate कर सकते हैं. तो इस equation में हम सबसे पहले y को eliminate करेंगे. तो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको equations का नाम दूंगा. X plus 2y is equal to 8 and 3x minus 4y is equal to 4. मैं सबसे पहले y को eliminate करना चाहता हूँ. अगर मैं y को eliminate करूँगा तो यहाँ इसके जो coefficient है इसको मैं same बनाऊँगा. यहाँ पे minus 4 है, यहाँ पे plus 2 है. तो इस 2 के साथ इस 2 से हम 4 बना सकते हैं या इस माइनस 4 से हम 2 बना सकते हैं, क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट जब सेम होंगे फिर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं. और अगर मुझे y को x को एलिमिनेट करना है तो फिर x के साथ मैं यहां पे 3 मल्टीप्लाई करूंगा. मुझे क्योंकि यहां पे 3x गिवन है, यहां पे 3 नहीं है. तो आप लोग x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आप यहां पे y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. तो हम y को एलिमिनेट करेंगे मल्टीप्लाई multiplying equation 1 by 2. Equation 1 के साथ हम 2 को multiply करेंगे. 2 into x plus 2y is equal to 2 into 8. तो यहाँ पे 1 मौजूद है, ये 2 इसके साथ multiply हो जाएगा, जो बन जाएगा 2x. ये 2 इस 2 के साथ भी multiply हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y. और 2 8 16 हो जाएगा. इसको आप लोग इक्वेशन 3 कह सकते हैं. अब हम इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 या इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. ठीक है, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. आप लोग देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन हम किस तरह कर सकते हैं. इसको हम ऐड करेंगे, सॉरी एडिंग यहां पे देखो इक्वेशन 3 गिवन है 2x plus 4y equal to 16 और 3x minus 4y is equal to 4. मुझे इसको ऐड करना है, तो एडिशन में ये बात याद रखना है कि हम यहाँ पे जो सिंबल है इसको जो साइन है उसको हम चेंज नहीं करेंगे. अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे. तो एडिशन में जब आप इक्वेशंस को ऐड करोगे तो फिर यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी. सब्ट्रैक्शन में आप साइन चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर सकते हैं, अगर माइनस है तो आप लोग प्लस कर सकते हैं. लेकिन एडिशन में दिस इज़ नॉट पॉसिबल और इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसको चेंज करोगे. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस 3 है और ये प्लस 2 है, तो इनको ऐड करो तो ये बन जाएगा 5x. ये प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4y कैंसिल हो जाएंगे और आप इसको भी ऐड कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 20. 16 प्लस 4 से बन जाएगा 20. अब मुझे x की वैल्यू चाहिए और यहाँ ये 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हुआ है, तो ये यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5. बोथ साइड्स हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5x/5 एंड 20y/5. तो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 4. ठीक है, तो वहाँ आप हमें y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं. 4
x is equal to 4 and equation number 1. Equation 1 may put karne se x plus 2y is equal to 8. तो इस x की जगह आप लोग 4 को पुट कर सकते हैं, 4 plus 2y is equal to 8. तो ये 4 यहाँ पे एडिशन में है, जे जब उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 minus 4, so 2y is equal to 4. आप 2 पे डिवाइड कर लो बोथ साइड्स, 4 by 2. तो यहाँ जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2. x is equal to 4 and y is equal to 2. अब ये जो सॉल्यूशंस आ चुका है हमारे पास, मतलब आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं x कामा y, जो सॉल्यूशन सेट आ चुका है, तो ये सिस्टम आप इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब आप, और इसको कहा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन. इसको कहा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 आ चुकी है, मतलब सिर्फ एक एक वैल्यू आ चुकी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है, तो इसको कहा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर? ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर था और फर्स्ट क्वेश्चन था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी वीडियोस मिल जाएंगे इस लेक्चर के हवाले से. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.